जी आप देख रहे हैं शोएब अख्तर का ये YouTube चैनल जी और मोस्ट पॉपुलर YouTube चैनल इन पाकिस्तान। शोएब भाई आपसे स्टार्ट करूं, ये यूनुस खान भी साथ खड़े हैं। नहीं नहीं बैटिंग बैटिंग ने फेंटा खाया भाईजान भाईजान शुरू करें। ओ भाईजान ओ भाईजान एक मिनट आज हम भागे मुझ पे मेल पे। सर मुझे ये चीज बताएं कि मुरली विजय आते हैं वो बाहर हो जाते हैं, केएल राहुल आते हैं वो बाहर हो जाते हैं, टेस्ट की फर्स्ट क्लास ट्रिपल 100 भी है, रविंद्र जडेजा की 3 ट्रिपल सेंचुरियां फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है, अभी वो पृथ्वी शॉ आए थे वो उनकी जगह नहीं बन पा रही है, फिर वो शुभमन गिल ने उनकी जगह नहीं बन पा रही, रोहित शर्मा सचिन जी कहते हैं, मयंक अग्रवाल फर्स्ट क्लास में 60 की एवरेज, 270 ऑस्ट्रेलिया में और 215। तो भाई जान हमारा बेंच किधर है क्या करना है। हमने अगर देखा रिसेंट पास में देखा कि चेयरमैन चेंज हो गए, सेक्शन चेंज हो रही है, कैप्टन को चेंज करने के चक्कर में है कि इसको निकालेंगे तो उसको रखेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लेयर आपके पास मौजूद है, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें और आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई कौन करेगा सर, हम करना ही नहीं चाहते उसके लिए। नहीं नहीं आइडेंटिफाई को भाई कौन नहीं करना चाह रहा, तो लोग नहीं है ना, तो लोग लेके आए। जब यूनुस खान 3 बॉले खेल के, तस्लीम आरफ मरहूम मुझे 3 बॉलो खेल के अंडर 16 से अंडर 19 लेके जा सकते हैं, कितने तस्लीम आरफ जैसे लोग, 3 बोले ये भाई, सिर्फ 3 बोले और आज 10,000 रन जो मैंने किए हैं। आज आपको मैं एक और मजे की चीज बता दूं, अंडर 19 में गए ये जो है बनुका राजा पक्से ऑस्ट्रेलिया, 150 किया, गिलक्रिस्ट ने कहा कि बहुत खूबसूरत टैलेंट है, वापस आए ग्रेजुएट किया इन्होंने फर्स्ट क्लास लिस्ट ए में, फेल 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 भूल के लोग, चंद्रिका हतूरा सिंह ने जाके इनको देखा, उन्होंने कहा भाई इन्हू क्यों नहीं खिला रहे तुम, इस टूर पे भेजा जहाँ पे उनको वो मिला 22 गेंदों पे 32, 48 गेंदों पे 77। उनको रख ले, उनको बुला ले, वो आइडेंटिफाई करने वाले लोग जो लाड करने वाले आपके साथ लोग जिनको आपके साथ कोई मतलब नहीं था, कि ये मतलब था कल यूनुस खान 10,000 रन कर जाए मेरा काम पूरा हो गया, वो बाबे किधर है, चाचे वो चाचे किधर है, बाबे किधर है, पहलवान किधर है, पहलवान किधर है वो। देखिए हम और आप क्यों बने, पहलवान जी ने क्या किया, नेट लगाया, वो पहलवान जी हम जैसे क्वालिफाइड लोगों से अच्छे हैं कि ये प्लेयर बनेगा भाई, हम चलते थे यार इसकी तो जरा विंगा सा है, ये तो 170 पे बॉल करेगा, वो किधर है वो लोग, आइडेंटिफाई करें, सिस्टम ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या है हम कहते हैं नहीं उनको नहीं, जो है इन्हीं को सब दे दो, शोएब अख्तर को बॉलिंग कोच बना दो, शोएब अख्तर को बैटिंग कोच बना दो, शोएब अख्तर को फील्डिंग कोच बना दो, एक ही में बना दो, पैसे बचा लो और पैसे बचा के ना इनको दे दो, अल्लाह अल्लाह खैर सर ऐसे अच्छा, नहीं भाई। जिनको साथ पैसे नहीं बचाने उनसे नहीं बचाते, और जिनसे नहीं बचाना उनको दे दो। मुझे एक चीज सिंपल से समझा दें, बताएं कि 1952 से लेके कम से कम 1997 तक पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और इंडिया वॉज नोवेयर, अच्छा इंडिया वॉज नोवेयर, उसके बाद दे रियलाइज कि मॉडर्निटी की तरफ जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अच्छे लोग लेके आने, एमआरएफ एकेडमी बनी, अच्छे कोचेज आए, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने एनालिसिस शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसको अपनी जो है रणजी ट्रॉफी को बेहतर किया और दियोदर ट्रॉफी को उन्होंने एलिमिनेट किया, और उसके बाद आप देखें कि आज वेयर डज इंडिया स्टैंड। आप ये नहीं कर सकते थे जो डोमिनेट करते थे इस रीजन को, बल्कि आईसीसी भी डोमिनेट करते थे आप इस रीजन से, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखें बंगाल का सारा करता धरता सौरव गंगुली, सौरव गंगुली मेरे ख्याल बाय फार वन ऑफ द नाइसेस्ट, वन ऑफ द क्लीनेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट वाइजेस्ट गाय इन इंडियन क्रिकेट, जिसने हिंदुस्तान क्रिकेट को खड़ा किया, क्योंकि मैं नहीं कभी समझता था कि हिंदुस्तान हमसे कम्पीट कर सकता है, मुझे 96, 97, 98, 2000 मुझे लगा हिंदुस्तान कम्पीट कर, अंटिल सौरव गंगुली कम्स इन, अंटिल वो सहवाग को लेके आया, अंटिल वो युवराज को चेंज कर दिया, राहुल द्रविड़ क्या है जी, क्या क्या करते फिर अंडर 19 में थे, अब एकेडमी में चले गए, काम ले रहे राहुल द्रविड़ की तरफा नहीं पूछ रहे, शास्त्री की तरफा नहीं पूछ रहे, शोएब अख्तर क्या बात करते हैं भाई, हमसे काम ले लो, इनसे काम ले लो, एक मिनट काम ले रहे, पीटी भी काम ले रहे, एक बड़ा पॉइंट आया,
भाईजन के कितने पैसे नहीं दिए पीसीबी ने 15 लाख और नहीं है ना और नहीं नहीं मैं किसी वजह से कह रहा हूँ रवि भाई की मंथली सैलरी पता आपको कितनी 1.5 But good for you, Ravi bhai. Make more money. You're proud of it. Proud of that. See, any cricketer from anywhere who makes money, I feel very happy. Crore hai, bhai, but what we meant to say is Pakistan lost the series, yaar. Yeh bahut embarrassing hai hum sab ke liye. Pakistan B team. Pakistan ki B team. Mere to khayal hai Pakistan ki B team. Jo humne Sri Lanka ko kaha B team actually wo other way round nikla. Pakistan humiliate hua. और यहाँ से पाकिस्तान के लिए सेटबैक है बहुत बड़े. अब पाकिस्तानी सेटबैक को अपॉर्चुनिटी लेके बड़ा बनता है या फिर वही भेड़ चाल के जरिए वही चीजें करता रहता है यूनुस जो उसको नहीं करनी जो पिछले 40 साल से हम कर रहे हैं. अच्छे को निकाल दो, अच्छे को निकाल दो, मीडियोकर को रख लो और इंशाल्लाह माशाल्लाह करके इस पे डाल के गेम, उस पे डाल के गेम निकल जाओ. नहीं बात नहीं सुनते हैं ये शोएब अख्तर, बात नहीं सुनता यूनुस खान, बात नहीं सुनता. ओ भाई आपने बात सुनवानी है, बैटिंग बॉलिंग करवानी है भाई. नहीं अपना मन मार दो, अना खत्म, अना नहीं होगी भाई. शोल्डर यू कर ले, आप शोल्डर यू कर लो. वैसे आपके प्लेयर्स ये तो हैं. ओ पाइन फिर आप दोबारा से बन गए. नहीं पाइन की करना है, शेयर पाइन ये पाइन बड़ी क्रिकेट एब्सोल्युट नहीं होती बड़ी भाई. ये प्लेयर को स्ट्रांग करे भाई, नेशंस के लिए लड़ना है भाई. जब आप उनके हथियार हाथ बांधोगे कहां से परफॉर्म करेंगे भाई. भजन नहीं हो सकता. भजन आप कह रहे थे शायद किसी शो में कि सरफराज जो है वो नुक्कड़ में बैठे हुए फूक मारने की देर, वो फूक अभी मार. ये हमेशा कहते हैं कि लैक ऑफ इनिशिएटिव है. तो भजन जिसको अगला कप्तान बनाना चाह रहे हैं वो फील्ड में ऐसे हो, यही सोच. सो हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का वो जो एटीट्यूड था कभी पाकिस्तान का वो वापस आ जाए, उसको लाने के लिए वो लोग ले आओ वापस. ओ भाई मुझे जॉब नहीं चाहिए ना, यूनुस का चाहिए. हम बड़े अकॉम्प्लिश लोग हैं, मजे की जिंदगी जा रहे. बट इट हर्ट्स, इट पेन्स टू सी दैट पाकिस्तान लूजिंग लीडर से गीदर बन गया. स्पिनर से जी इस मैन से देखे आप हार जो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं. देखे हार जीत होती रहती है, लेकिन पहला मैच 64 रन से, दूसरा 35 रन से. हो सकता था कि बहुत थोड़ा गीला नहीं होता और कैप्टन जो थोड़ा मेच्योर होते तो 50-60 रन से हम मैच. और हमें बॉलिंग पे नाज था, 182 करवाया है आज और 167 करवाया है पहले मैच में. वही मैं बार बार, मैं पहले भी यूट्यूब वीडियो में कहा है कि वो शामी फोन करके पूछ रहा होता है कि क्या करूं मैं, कैसे करूं. हमारे बच्चे पूछते नहीं हमसे यार. इंडिया ने अडॉप्ट किया ना, देखिए आज के इंडिया का प्लेयर वो क्या करते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं. ये किसका खासा था हमारा, ये किसका खासा था हम, किससे सीखा उन्होंने पाकिस्तान. ठीक है, श्रीलंका को टीम को खड़ा करने में किसका हाथ है पाकिस्तान. कहाँ खड़े वो आज लोग, बैन स्टैंड जो है वो हमारे टॉप की टीम को मार के जा रहे हैं, मार के जा रहे हैं. ठीक है जी, बांग्लादेश को किसने खड़ा किया पाकिस्तान. अब आप सीरीज खेल रहा हूँ. सो इसी तरह एमिरेट्स एयरलाइन को पीआई ने खड़ा किया, या आप देख लो. पाकिस्तान ने क्या किया नहीं किया सबके लिए. बट दिस इज शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल. कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को नीड्स वंस अगेन. भजन जाते जाते उन्होंने अपने नए लड़के भेजे, उनमें से 2-3 आपको नजर आए कि वो इवॉल्व हो गए. हमारे किधर इवॉल्व वो, हम यही नुमान, मैं यूनुस का हमारे 5 खिलाड़ी थे, 2 हमको भी मिल जाते नहीं, वो हमने नहीं किए अनफॉर्चुनेट. बट यहाँ से पाकिस्तान को एक बेहतर टीम कैसे बनना है वो यूनुस ने बताया, मैंने बताया. हमारा सिर्फ मकसद ये कि मिस्बा एक बड़ा आदमी बन जाए, बड़ी कॉम्प्लिश चीजें कॉम्प्लिश कर जाए और बड़ा कोच बन जाए, फादर फिगर बन जाए. हाँ, कि भाई अब से जो है ना गॉड नहीं बल्कि गॉड फादर बन जाए. हमारा इस क्रिकेट का गॉड फादर बन सकते हैं. नहीं वो बन चुके हैं वो, क्योंकि बहुत रोल है उनके पास. अब फादर फिगर बनाए, गॉड फादर तो है. अब सुप्रीम लीडर हमारा बन चुका है. लेकिन ये हमारी बस गुजारिश है कि पाकिस्तान अचार है, जो पाकिस्तान से खेला हुआ यूनुस खेला, मैं खेला, हमें बहुत तकलीफ होती है. हम जब हारते तभी बहुत तकलीफ होती है. अब जब लगता है कि ये गलत होने जा रहा है और हम कह रहे हैं मत करो, वो करते हैं और हार जाते हैं, इससे और ज्यादा तकलीफ होती है. बट दिस इज शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल. थैंक यू यूनुस, थैंक यू डॉक्टर नौमान नियाज, एंड थैंक यू माई सब्सक्राइबर्स. दोज आर कीप ग्रोइंग अप एंड कीप कमिंग अप. और बहुत जल्दी मेरा 1.6 मिलियन होने वाला और 2 मिलियन हमारा मार्क है, और इससे पहले हम 50 मिलियन टच करें. Do not forget to press the icon button. Love you all. Take care. Bye. Oh, Pindi Express has left the station, that's for sure.